नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की बेटो बाली विधवा। पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सब ने कहा ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत थी। चार जवान बेटे थे, एक लड़की, चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती, वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती, सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था, छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र, बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी, गौ की कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी, पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है, ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा ले लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब उससे किसे घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्या नाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया, स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामता नाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरी की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टीन ही काफी था, इसी हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई है। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है, दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस डिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मरमर कर गृहस्थी जोड़ी है, मैं तो गैर हूँ।
जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझू वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काबी तमी कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ, लड़के ही तो है, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामता नाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भावभंगी ने ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं, पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबी पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने के सामर्थ्य हो सकता है? इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामता नाथ से या बड़ी बहू से। कामता नाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहर और औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी समाने, भेद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे, वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम बनेगी किसी पत्तल पर पहुंचेगी किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है? अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? यह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये ना निकलवाऊं तिजोरी नहीं खोलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं, यह मुझसे ना बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाए? हिसाब किताब सब हो गया है, किसने किया? अब मैं क्या जानू किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है, इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी, सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहां सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया, सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों के लोग बैठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। अगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है, किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं, किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूड़िया ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूड़िया ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है, इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों की कड़ाव पर से न जाने क्या उठा दिया गया। यह सब बातें नाक काटने की है। सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं,
बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में शोर मच गया, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था, बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ा गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया, मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती को बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती, ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं, बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुधी न थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी, कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई, सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया, मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई, भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे, इस फुहरपन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों ने देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ सारा क्रिया धरा किया, हाँ सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया, सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया, बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे, पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर भी गर रही थी, देवरानियां सारी दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में, शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिनकी अपनी जिंदगी भर की मर्जात बनाने में खबर खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया, शहर में थोड़ी थू थू हो रही है, अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामता नाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूले होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा, इन्हें चाहिए था कि देख कर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष? कामता नाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है न तुम्हारा न मेरा, संजोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई, इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उढ़ेल दिए जाते हैं, कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जगह साए और कैसी नाक कटाए, तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहाई की बातें करते हो? कामता नाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है, चीनी में चीटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंस कर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता, यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है, जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे, अपना सा मुंह लेकर चली गई।
दो महीने गुजर गए हैं। रात का समय है, चारों भाई दीन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गप शप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ थत्ता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं, एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बतिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता, फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर में रहना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे, आंखों में ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं यह बात तो नहीं है, मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी, यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था, सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें, मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूंगा, और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे, वे इतने स्वार्थार्थ नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बलखाने को तैयार न हो जाए, मगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला इसमें कोई भी त्याग करने योग्य है, इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, नुकसान की एक ही कही, इस हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम, समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है, कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए, उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे, तब किसके हाथ सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यही नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया, सकुचाते हुए बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी, क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है, वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धड़ी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं, तो आप जैसा उचित समझें, मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेल है, मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे,
एमए बीए ना सही यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को उसकी इसकी क्या जरूरत, कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत ना मालूम है। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, वह पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा, उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाए। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, चाहे जिसे दे, जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी, आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है, यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं, देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, वह कपट नीति में कुशल है, कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया कर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हो, मैं अनीति के हाथ नहीं डालना चाहता, तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी ना मारिएगा, मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही, इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो छम्मे है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी, उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने शशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा, कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है, अगर कल तक जमा ना कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा, जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत की क्या करूं, हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता, मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा। उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे है, इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई ना देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं, रुपये इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा उनसे कुछ न कहो, रुपये तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे, उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी ना देंगे, अफसरों में जाकर खबर दे दे तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रख कर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो के किसी पत्र में एक शब्द भी ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं, 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा, यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है, उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए है या और किसी दिन के लिए, जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब, इसी मारे मैं कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती या और कुछ।
उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती। मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यह अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने को गिरो रखे जाए। फूलमती ने व्यथित कंठ से कहा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरोह रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत करा आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो, आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रख कर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है ले लो, मगर याद रखो ज्यों ही हाथ में रुपये आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना श्रेय और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा को आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीनों के बाद उसके भग्र मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहाँ गंध तक न थी। त्याग ही उसकी आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर, अपनी सृजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाए, अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों कर्तिक अपने मन की परमाता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती। बाग का बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मैतक्य न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगे, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो, लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उसका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवे सिकोर कर कहा, नहीं मैं 5,000 ही कहूँगा, एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़ कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा, 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मरमर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुमने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है, मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो,
जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा? फिर तो कहना, मैं अपने ही संचय रुपये अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपये तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहाई से कहा, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, नहा कुछलती है। फूलमती क्रोध विहल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी चोरी है, नहीं आज बैठने की छा न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपयों को छू नहीं सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार खर्च किए है, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामता नाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खाम खा अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब। मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई, कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती है। फूलमती ने संयमित स्वर से कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तरप कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस ब्रजपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति चोरी, मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो? अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। बाहरे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छां में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों चुपकों पर माता के इस क्रोध का और आतंक का कोई असर न हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था, इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्नि कुंड सा जान पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी, द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए नी स्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज हो रहा था, जहां उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असन्ना था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि 4 जवान बेटे के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था।
अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है, अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है, अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मा वेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था, पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी, सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्म गौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहां बिजली जलती थी, वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है। मुरारी लाल को इंकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीन दयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीन दयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ ऐठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा दुख झेलेगी। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, उसमें हजार ऐब हो तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों को कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार न था। उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपने कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपये और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी की अंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह ना सह सकती थी, इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपये आंचल से निकाल कर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपये के बराबर है, तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, साइत टली जाती है, वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो इसे दूंगी
जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। एक साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारीन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह ना था। वह अब घर की लौंडी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन ना था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत ना आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान ना था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ, दयानाथ का प्रेश खुला, फिर जलसा हुआ, सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड के महीने भर बीमार रहे और मर कर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं, चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झरी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था, आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी, आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की महरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगाजल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा, आज महरी खूब बैठ रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज के सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बलखाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बेटो बाली विधवा।